तो फायरबोल्ट ने कुछ दिन पहले वॉच लॉन्च करी, इसका नाम था एटलस, और काफी लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। बट फीचर्स के मामले में इस वॉच में जो फीचर्स प्रोवाइड कर रखे, अभी बहुत सारे दे रखे, वॉचेस आती हैं बट फीचर्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर दिए जाते हैं, बट इस वॉच में ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे इंटरेस्टिंग लगी। तो फटाफट डब्बा खोलते हैं और देखते हैं कि क्या ये वैल्यूएबल और क्या इसे खरीदना चाहिए। तो डब्बे में आपको देखने को मिलेगी बस ब्रांडिंग, कुछ की हाइलाइट्स वही, और कंटेंट पैकेज की बात करें तो एक मैनुअल मिल जाती है, एक साल का वारंटी कार्ड, और वही फायरबोल्ट कार्ड देखने को मिल जाते हैं, कुछ कूपन वगैरह हैं, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह हैं, तो वो आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। केबल मिल जाएगी आपको चार्जिंग के लिए पोगो पिन वाली, और मिल जाती है आपकी वॉच। अब वॉच के डिजाइन को लेके बात करूं तो डिजाइन बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो बॉडी है वो बिल्कुल कर्व एजेस आपको देखने को मिलते हैं, टॉप पे टू पर 5D कर्व ग्लास इनका यूज कर रखा है इन्होंने, और मेटेलिक फ्रेम है, पूरी जो फ्रेम आप देख रहे हो ये मेटेलिक, आपको जो डायल है मेन वो आपको जो है मेटल का मिलता है। साइड में आपको दो चीजें मिलती है, एक तो आपका रोटेटिंग क्राउन है और एक आपको सिंगल बटन प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने। अभी हमने जो स्ट्रैप्स हैं वो भी थोड़े से लेदर फिनिश टच वाले आपको हमें प्रोवाइड कर रखे, जो कि 22mm वाली दे रखे, तो इनकेस अगर आपको लग रहा है चेंज वगैरह करना है मार्केट से तो आप कर पाओगे, क्योंकि इन्होंने पिन वाला ऑप्शन दे रखा है, पिन निकाल के जो है आपके स्ट्रैप्स जो निकल जाते हैं। बट बॉडी का डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है और लाइट वेट है, वॉच में सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि लाइट वेट है, फील अच्छी दे रही है और लंबे समय तक जो है आप वॉच को पहन सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कॉमन डिजाइन का इन्होंने यहाँ पे यूज कर रहा है, तो बहुत सी वॉचेज कॉमन डिजाइन के साथ आती है, बट यहाँ पर डिजाइन डिफरेंट है और कहना कि सही लग रहा है। बैग जो आपको प्लास्टिक का मिलता है और सेंसर वगैरह जो है आपको यहाँ पे दे रखे। अभी जो मेजर चीज ध्यान रखने वाली है कि सर डिस्प्ले जो है बहुत बड़ा दे रखा है इन्होंने, 1.95 इंच का दे रखा है, और बेजल्स जो है वो बहुत कम है ताकि आपको एक एज टू एज फील मिल सके। अब यहाँ पर एजेस पे इन्होंने क्या कर रखा है, एक हल्का सा क्रोम थोड़ा सा ऐड कर रखा ताकि थोड़ा सा डिफरेंट कहीं ना कहीं हो जाए, बट डिस्प्ले जो है वो बढ़िया मिल जाता है, जो आता है 320x385 पिक्सल रिजोल्यूशन के साथ में, क्रिस्पनेस अच्छी है, शार्प आपको मिल जाता है, और ब्राइटनेस भी मोर देन इनफ मिल जाती है इनकेस अगर आप आउटडोर में भी इसको यूज करोगे तो आपका एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे डिस्प्ले से बढ़िया रहने वाला है। और एज सच ना वॉच बड़ी नहीं लग रही है, डिस्प्ले काफी अच्छा हो जा रखा है, बट वॉच का जो साइज है वो मेरे हिसाब से सूटेबल रहने वाला, अगर नॉर्मल कोई भी पहनेगा इसको, अगर जिनकी थिन रिस्ट भी है उनके हाथ पे भी जो है डायल सही लगने वाला है। अब यहाँ पे जो बैटरी परफॉर्मेंस की आती है तो 230mAh की बैटरी लगा रखी है, और यूजेज की बात करूं तो एवरेज जो परफॉर्मेंस आपको वॉच देती है वो अराउंड 4 से 5 दिन का देती है, अगर आप यहाँ पे कॉलिंग फीचर भी यूज कर रखे हो, ब्राइटनेस वगैरह फुल रखी है, वाइब्रेशन फुल कर रखी है, तो इस यूजेज में आप 4 से 5 दिन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी नॉर्मली अगर आप इसको यूज करें तो 14 डेज इनका कहना है, बट मेरे हिसाब से इतना तो नहीं सर्वाइव करेगी, मैक्स टू मैक्स 7 डेज तक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूजेज पे पर्सनली डिपेंड करता है। अब यहाँ पर IP68 रेटिंग मिल जाती है, जो कि पर्सनली एक बेहतर पॉइंट है, मतलब आप स्विमिंग पूल वगैरह में भी ले जाना चाहते हो तो इस वॉच को ले जा सकते हो, बट एक सर्टन डिस्टेंस तक, मतलब बहुत पानी के डेप्थ में मत जाना नहीं तो फिर खराब हो सकती है, बट नॉर्मली अगर आप ऊपर अगर यूज कर रहे हो उस वॉच को तो हाँ ये वॉच जो है सर्वाइव कर जाएगी स्विमिंग पूल में भी। इवन जो सेंसर वगैरह दे रखे हैं वो भी आपको बेसिक वाले तीनों प्रोवाइड कर रखे हैं, आपका SPO2 मिल जाएगा, आपका HR मिल जाएगा, आपका एक्सीलरेटर मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी ऐसे उन्होंने हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं है। अब एक UI ऐसी चीज होती है ना जिसको लेके मुझे बड़ा सवाल रहा है फायरबोल्ट की वॉचेस में ना, कभी कभार UI इनकी वही पुरानी सी जो 2-3 साल से चली आ रही है उसी को डाल देते हैं, पर यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, UI इंप्रूव्ड मिल जाती है, और फीचर वाइज भी UI में अगर आप चीजें देखोगे तो बहुत सारी दे रखी है। अब टॉप सेव करने पे आपको यहाँ पर टॉगल्स मिल जाते हैं, 2 टॉगल पेज दे रखे हैं इन्होंने, फ्रंट पेज आपको यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह दे रखी है, डायल पेड दे रखा है, बैटरी सेविंग मोड प्रोवाइड कर रखा है, साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे NFC वगैरह का चीज देखने को मिलती है, ब्राइटनेस कंट्रोल जो है आपको बढ़ानी करनी है तो वो मिल जाएगा, और ये सेल्फ ड्रेनिंग वाली चीज मिल जाती है आपको। तो ये कुछ इस तरीके से, मतलब जैसे पानी वगैरह चल जाएगा वॉच में तो उसको आप ड्रेन आउट कर सकते हो। यहाँ पर और भी चीजें दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे आपको जो टॉर्च वगैरह का ऑप्शन दे रखा है, DND वाला चीज मिल जाती है। अब यहाँ पर बाकी चीज देखेंगे नीचे सर्व करने, आपको वही नोटिफिकेशन वगैरह रीड हो जाती है, अदर साइड से करने बाकी ट्रैकिंग्स वगैरह देख सकते हैं कितना आपने ट्रैक आउट किया है, सारी चीजें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। वहीं अगर अदर साइड से करोगे तो आपको यहाँ पे एक साइड बार देखने को मिलता है जहाँ पे आपने जो भी रिसेंट एक्टिविटी खोली है उनको आप एक्सेस कर सकते हो, और स्टैंडर्ड इसमें तो वही आपके जो चीज़ें दे रखी होती हैं वॉच फेसेस वगैरह उनको आप जो है स्विच कर सकते हो, बट क्यों ही करना, क्योंकि इसमें जो क्राउन दे रखा है इसी से आप जो है वॉच फेसेस वगैरह जो है ईजिली चेंज कर सकते हो। तो UI इंट्रैक्शन, UI परफॉर्मेंस काफ़ी सही आपको मिल जाती है, और एक बेहतर UI कहने की आपको इस वॉच में अवेलेबल कर रखी है। अब फीचर वाइज अब वॉच में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, सबसे पहले तो यहाँ पे कॉलिंग वाला फीचर मिल जाता है आपको, जो कि आप देख सकते हैं आपको डायल पेड वगैरह मिल जाता है, इवन फेवरेट कॉन्टैक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, साथ ही में वही कॉल हिस्ट्री वाली चीज आपको मिल जाती है। बट यहाँ पे जो माइक्रोफोन और इनकी जो स्पीकर परफॉर्मेंस है उसके लिए अपन चलते हैं टेस्ट करने बाहर और देखते हैं किसे की परफॉर्मेंस देते हैं। तो क्या जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इस वॉच के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये वॉच देती है जब भी आप इसको यूज करेंगे कॉलिंग वगैरह के टाइम पे।
अब आते हैं हमें हेल्थ पर्सपेक्टिव वाली चीज़ों को लेके, तो यहाँ पर 108 स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड कर रखे हैं। और जब भी आप एक्टिविटी वगैरह करने जा रहे हो तो इन मोड्स का प्रॉपर यूज़ करो, आपको प्रॉपर ट्रैकिंग देखने को मिलती है कितने टाइम में आपने कितनी कैलोरीज बर्न कर रखी है। साथ ही में वही आपको जो है स्टेप मॉनिटरिंग वगैरह देखने को मिल जाती है कितने स्टेप मूवमेंट आपने किए हैं। एक चीज़ नोटिस करने की ये कि आप अगर बहुत ज़्यादा मोशन करोगे ना बैठे बैठे तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेता है। वहीं एस्टीट्यूट और एचआर को लेकर जब भी बात आती है तो मैं हमेशा से रिकमेंड करते आया हूँ आप लोगों की आप प्लीज़ मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट यूज़ करें। वॉचेस सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए होती है, तो थोड़ा सा इसको लेकर ध्यान रखें। बाकी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी, बीपी वगैरह दे रखा है और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हेल्थ पर्सपेक्टिव से, बट कहीं ना कहीं वो गीमिक हो जाती है। यहाँ पर फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग वाली चीज़ सही दे रखी है, अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैक करना है तो आप इस वॉच में वो चीज़ कर पाओगे। यहाँ जो बेसिक फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे आपका स्टॉप वॉच हो गया, आपका अलार्म हो गया, टाइमर हो गया, वो तो मिल ही जाता है, वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। साथ ही इन्होंने वॉइस असिस्टेंट वाली चीज़ भी दे रखी है, तो अगर इनकेस अगर आप अपनी वॉच से असिस्टेंट को वेक करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, और वो ब्रेड टेकिंग वाली जो एक्सरसाइज होती है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बट कुछ एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिला जैसे कि कैलकुलेटर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, तो ऑन को आप कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो, गेम्स वगैरह मिल जाते हैं आपको इसमें, ताकि इन केस अगर फ्री टाइम में कुछ गेम वगैरह आप खेलना चाहते हैं तो आप वॉच में ही गेम्स को एंजॉय कर सकते हो, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन से इंस्टॉल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में सारे जो है गेम्स आपको अवेलेबल कर रखे, उसके थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर पेपाल का ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, थोड़ा सा ये मुझे लगा था जो कि एक NFC वाली जो चीज़ इन्होंने दे रखी है वो पेपाल फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। आई गेस ये इंडिया में तो मेरे हिसाब से वर्क करने वाला नहीं है, यहाँ पर इन्होंने दे जरूर रखा है बट इसका कोई यूजेज ऐसा है नहीं यहाँ पे। बाकी वही आपका म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है आपको, और इवन आपको जो है यहाँ पर कैमरा कंट्रोल करना है तो वो भी दे रखा है इन्होंने। साथ में यहाँ पर उन्होंने मसाज वाली चीज़ प्रोवाइड कर रखी है, रिस्ट मसाज अगर आपको करनी हो तो ये वाइब्रेशन आप सुन पा रहे होंगे ना हल्की सी, तो ये जो वाइब्रेशन जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है, आप इसको ऑन कर सकते हो, इसका सेंस तो खैर बनता नहीं, फोकट इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। बाकी आपको यहाँ पे थीम्स मिल जाती है, डिफरेंट डिफरेंट थीम्स आप यहाँ पे जो है सेट कर सकते हो, आपको जो मेन्यू की थीम चाहिए होती है वो यहाँ से आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, जो कि मेरे से मुझे लिस्ट वाली सबसे प्रेफरेबल रहती है, उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर दिख जाती हैं तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, वॉच में ना काफ़ी लोग स्लिप मॉनिटरिंग वाली चीज़ को लेकर बात करते हो, तो वो भी आपको वॉच में मिलता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने हार्ड स्लिप किया, लाइट स्लिप किया, और UI इंट्रैक्शन जो है यहाँ पर बहुत सही आपको दे रखा है इन्होंने, और 7 दिन तक का आपको यहाँ पे पूरा डाटा जो है वॉच में अवेलेबल हो जाता है। वॉच में कुछ ऐसे फीचर्स भी दे रखे हैं जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जैसे कि इसमें पिन लॉक दे रखा है, आप इस वॉच को पासवर्ड लॉक कर सकते हो, ऑप्शन प्रॉपर आपको दे रखा है। इवन इसमें आपको देखने को मिलता है एक एक्स्ट्रा बटन, अब उस बटन को भी आप डिफाइन कर सकते हो कि उस बटन से क्या फंक्शन हो, जैसे अगर आपको बटन दबाने पर डायरेक्ट फ्लैश लाइट ऑन करनी है तो वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको दे रखी है इसके सेटिंग वाले सेक्शन में, आप देख पा रहे हैं आपको कौन सा चाहिए वो आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हो। और वॉच को जब थोड़ा सा यूज़ करा था तो मुझे एक और चीज़ मिली, वो थी AOD, इसके अंदर AOD भी दे रखा है, और उसके लिए आपको ना इसके जो टाइम सेटिंग वाला जो ऑप्शन होता है जहाँ पे आप ड्यूरेशन बढ़ाते हो, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। बट आपको एक एप्लीकेशन मिल जाती है, और इस बार जो एप्लीकेशन है वो भी इन्होंने नई यूज़ कर रखी, तो जो एप्लीकेशन है ये है FB एक्टिव करके, यानी कि फायरबोल्ट एक्टिव करके इन्होंने एप्लीकेशन बनाई है। इस एप्लीकेशन में होम में तो आपको वही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी हेल्थ रिलेटेड, आपकी जितना भी स्लिप कितना है, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, कैलोरीज वगैरह, ECG, BP, उस सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में आएंगे तो आपके जो भी बाहर के आउटडोर वर्कआउट जैसे रनिंग के लिए गए हो या फिर वॉकिंग के लिए गए हो, उसका जो GPS ट्रैकिंग है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। डिवाइस वाले ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा आपको वॉच फेस मार्केट, बहुत सारे वॉच फेसेस अवेलेबल कर रखे, इवन अपना खुद का फोटो लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो माय डायल्स में जाके, आपको वो ऑप्शन भी दे रखा है। और एक यूनिक ऑप्शन आपको मिलता है वो है वीडियो डायल का, यानी कि आप अपने खुद के वॉच में वीडियो डायल लगा सकते हो, तो अगर आपके पास कोई वीडियो वगैरह है छोटा सा तो उसको यहाँ पे अपलोड कर दो, वो जो है आपकी वॉच पे चलेगा एज ए लाइव वॉलपेपर, आपने देखे होंगे सुने होंगे, तो वो भी आपको यहाँ पे लगाने का ऑप्शन उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। अब इसमें ना ऐप्स का मार्केट दे रखा है, ऐप्स मार्केट में आप जाओगे तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे जो है गेम वगैरह दे रखे हैं, अगर आपको इंस्टॉल करना तो यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करो और वॉच में जो है वो फिर इंस्टॉल होने लग जाते हैं, तो जैसे कि वॉच में आपको गेम डालना तो वो यहाँ से डाल पाओगे। अब नोटिफिकेशन कौन कौन से एप्लीकेशन की चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, HR रिमाइंडर्स वगैरह सेट कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए माई कार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ कर रखा है, तो यहाँ पर ना आप अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के जो है कार्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हो QR कोड, ताकि बस किसी से भी कभी भी आपको शेयर करना हो अपनी ID तो बस QR कोड दिखाओ, स्कैन करवाओ और वो आपको डायरेक्ट फॉलो कर सकता है। अब यहाँ पर रिसिप कोड आपको मिल रहा था जो कि PayPal के लिए उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, अगर आपका PayPal अकाउंट है तो आप यहाँ से उसको पहले रजिस्टर कर लो, रजिस्टर करने के बाद जो वो NFC वाली चीज़ दे रखी है तो बस आप स्कैन करोगे आपके वॉच से ही आपका जो है पेमेंट वगैरह हो जाता है, तो ये वाला फीचर भी एक यूनिक आपको यहाँ पे मिल जाता है। फर्मवेयर वगैरह अपडेट्स के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो जो भी अपडेट्स आती है तो वो आप यहाँ पे एप्लीकेशन में देख सकते हो, और फेवरेट कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो आपको ऐड करना है वो भी आप यहाँ पे कर पाओगे। तो यार एप्लीकेशन भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और फीचर वाइज नो डाउट ये वॉच बहुत ही ज़्यादा मतलब
एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें प्रोवाइड करती है। पर अब आ जाते हैं इस वॉच में कंक्लूजन को लेकर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं वॉच में, बट यूजेज कितनी है इन फीचर्स की वो कहीं ना कहीं मैटर करती है। तो मेरे हिसाब से एक जो मेजर चीज़ मुझे अच्छी लगी पर्सनली इस वॉच में वो है इसका UI इंटरेक्शन। UI बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रखी है इन्होंने, स्मूथ वर्क कर रही है और यूनिक देखने को मिलती है, कॉपी नहीं है जो दूसरी वॉचेस में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। प्लस डिस्प्ले अच्छा मिल जाता है आउटडोर के हिसाब से, आप उसको डेफिनेटली पहन सकते हो और बड़ा भी है साइज में, 1.95 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, तो ऐसे कोई कंप्लेंट्स होनी नहीं चाहिए। और फीचर्स के मामले में बात करें तो गेम्स, कैलकुलेटर, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका एड ऑन कर देते हैं इस वॉच को लेके। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए इस वॉच को देखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ये वॉच कहीं ना कहीं यूनिक है, कहीं ना कहीं बेहतर है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फायरबोल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये फिलहाल अभी अवेलेबल है, तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ देख लेना। बाकी मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जोर से कर देना, दोस्तों का शेयर करना और प्यारा वाला कमेंट जोर से कर देना, क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है और ये खुशी बढ़ते रहना चाहिए। बाकी नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आगे भी मुलाकात होती रहे। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिडन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।